छतरपुर जिले में 30,000 रुपए के इनामी हत्या के प्रयास सहित पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी रविंद्र सिंह परिहार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी को लेकर एसपी एकम जैन ने बताया कि पुलिस पर फायरिंग कर फरार हुए 30,000 रुपए के इनामी बदमाश रविंद्र सिंह परिहार को धार जिले के पीथमपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके आगे उन्होंने बताया कि जब आरोपी को वापस छतरपुर लाया जा रहा था, तब थाना मातगुआ के पास आरोपी ने पुलिस को गुमराह कर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने आरोपी पर आत्मरक्षा के लिए उसके पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। एसपी एगम जैन ने बताया कि आरोपी का फरारी के दौरान सहयोग करने वाले आरोपियों को भी राउंडअप किया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। थाना ओरछा रोड से विगत दिनों में एक अपराधी रविंद्र सिंह परिहार पुलिस पर फायर करके फरार हुआ था। उस पर पूर्व से भी 12 अपराध पंजीबद्ध थे। उस पर आईजी सर के द्वारा 30,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। हमारी टीम लगातार तभी से उसको अरेस्ट करने का प्रयास कर रही थी। ऐसे में हमको सूचना मिली कि वो पीतमपुर तरफ है और हमारी टीम वहाँ गई और कल दिन में उसको अरेस्ट करके जब वापस लेकर के आ रहे थे तो कल रात्रि में मातगुआ और छतरपुर के बीच में पेशाब करने के बहाने उसने गाड़ी रुकवाई और उतर करके भागने का प्रयास किया और जैसे ही नीचे उतरा पिस्टल पुलिस की छीन करके भागते हुए उसने पुलिस पर फायर किया। ऐसे में हमारी टीम द्वारा तत्परता से जवाबी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें से एक फायर उस गोली उसके पैर में लगी। तत्काल ही उसको मेडिकल एड उपलब्ध कराने के उससे उसे मेडिकल अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया, जहां अभी वो फिलहाल उपचाररत है। और इस प्रकार से 30,000 रुपये का जो इनामी है उसको गिरफ्तार किया गया है।